हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग देख रहे थे हम एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन का बता रहे थे, 15 तक क्वेश्चन बता दिया। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है e^2x+3। देखिए 16 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लेट i = (e^2x+3dx)। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आप लोग का क्वेश्चन है e^2x+3 ऐसा दिया हो, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग e^x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^x का इंटीग्रेशन e^x+3 होता है। तो हम लोग e^2x+3 है, तो 2x+3 को सबसे पहले लेट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो नाउ लेट t = 2x+3 को इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने। तो dt/dx = d2x/dx+3 का डिफरेंस, ठीक। तो टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा dy/dx/dx, यानी कि 1+0 यानी कि 2 इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुना इसे 1/2 dt = dx, ठीक। dx की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, 1/2 dt। तो यहां पर समीकरण फर्स्ट से चलेंगे अब हम लोग, अगेन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक। तो i = (e^2x+3) दिया हुआ है, dx (e^2x+3) को क्या माने हैं, टी, डीएक्स के जगह पर क्या आया है 1/2 dt, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर e^t dt, 1/2 e^t का इंटीग्रेशन e^t+c। तो 1/2 e^t का वैल्यू क्या लेट किए थे, 2x+3, तो 2x+3+c, ठीक। तो आप लोग सब्जेक्टिव 16 नंबर क्वेश्चन 7.2 का देख लिए, ये आप लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग को अगर डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन जो पूछेगा सब्जेक्टिव में पूछने लायक नहीं है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक। तो देख लीजिए इसको मिटाते हैं, तब बताते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे। तो देखिए अगर डिफरेंशिएशन करते हैं 2x का dx क्या हो जाता है, 2 कांस्टेंट बाहर dx/dx, 2 × 1 यानी कि 2 आ जाता है। यानी कि हम लोग को पता है dx/dx रहता है ना, तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक। यही में x² का डिफरेंशिएशन कह दे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। यही में कह दे 2x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट तो पहले से, फिर x² का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2x होता है, तो क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर डिफरेंशिएशन में
जैसे आप लोग का त्रिकोणमितीय में आइए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो कॉस एक्स होता है, ठीक। जैसे ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स, या मानिए ई टू दी पावर टू एक्स बाय एक्स, तो आप लोचा लग गए, इसमें तो चेन रूल लगाएंगे तभी ये निकलेगा, अन्यथा अगर याद है तो लिख देंगे टू ई टू दी पावर टू एक्स। कैसे लिख दिए तो ना पता है, तो देखिए ई टू दी पावर टू एक्स बाय डी एक्स जब कहेगा निकालने तो चेन रूल लगाने का कार्य होता है ई टू दी पावर टू एक्स, बट जो अगर पावर में है वह इसके नीचे गुणांक में रहना चाहिए डी के साथ, तो डी टू एक्स इंटू डी टू एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो यह कट जाएगा तो सेम बच जाएगा। तो अब डी ई टू दी पावर टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर टू एक्स के साथ कर रहे हैं इन टू और टू कॉन्स्टेंट तो बाहर कर लेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा टू ई टू दी पावर टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स यानी कि वन, यानी कि हो जाएगा टू ई टू दी पावर टू एक्स, ठीक। इसी तरह अगर हमको इंटीग्रेशन पूछता है ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स तो क्या करते हैं, तो ई टू दी पावर टू एक्स बटा टू प्लस, अगर इसका पावर इंटीग्रेशन में पावर में टू एक्स है तो बटा में दो, अगर इसमें डिफरेंशिएशन में पावर में तो देखिए गुणांक में आता है, अगर डिफरेंशिएशन का काम रहे तो वह गुणांक में आता है और इंटीग्रेशन का कार्य रहता है तो वह डिवाइड में आता है, ठीक। तो इसी तरह तो आप लोग का क्वेश्चन है, लेकिन ये बनने का सही रूल नहीं है, डायरेक्टली लिखने का अगर बता दिए ई टू दी पावर टू एक्स बाई टू प्लस सी तीन से आंसर तो सही है, लेकिन इसका जब बनाएंगे तो लेट टी इज इक्वल टू टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा, तो वन बाई टू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, डी एक्स के जगह पर वन बाई टू टी रखेंगे या टी, तो ई टू दी पावर टी वन बाई टू और डी टी रखेंगे तो e to the power 1 by 2 constant e to the power t, तो क्या आ जाएगा 1 by 2 e to the power t का वैल्यू 2x प्लस ई, तो ऊपर में चल गया बात सेम आया, ऐसे बनाना है। लेकिन आप लोग को बता दिए अगर डिफरेंशिएशन में e to the power 2x है तो 2 गुणांक में आता है, इंटीग्रेशन रहेगा तो डिवीजन में डिवाइड में, ठीक। समझ गए 16 नंबर क्वेश्चन, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब हम लोग क्या नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है एक्स बट्टे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बट्टे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। समीकरण फर्स्ट, नाउ इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को, लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 गुणांक में साइड कर लेंगे इसलिए 1 बाय 2 डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। देखिए ऊपर में एक्स डी एक्स है इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि कुछ ना कुछ पुट अप होगा। अगेन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बटे e टू दी पावर x स्क्वायर डी एक्स, तो x और डी एक्स साथ है तो हो जाएगा 1 बाई e टू दी पावर x स्क्वायर का क्या रखे थे t, हो जाएगा dx dx के ऊपर हाफ dt,
हाफ कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी, यानी कि 1/t के e^t, तो चल पलट जाएगा तो e^-t dt, e^-, इसमें है तो e^-t / -1+t, ठीक। काहे कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा हुआ है ना इसके पीछे -1, तो बट्टा में आएगा। अभी तुरंत बताए थे e^2x का, तो e^2x/2+c, ठीक। इसी तरह इसका यहाँ माइनस एक्स रहता तो यहाँ पर भी e^-x/-1, तो इसका आंसर हो जाता -1/(e^x+c), काहे कि ऊपर में लगा हुआ है। इसको मिटाते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/2 पलट के माइनस यहाँ पर लगा देते हैं तो हो जाएगा 1/(e^t+c) वैल्यू रख दीजिए -1/2 × e^t क्या था, t को क्या लेट किए थे x²+c, क्या आपका वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का e^(tan−1)(x/1+x²), तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए जजमान। लेट i=(e^tan−1)(x/1+x²dx), ऐसा ही ना है। हाँ, तो क्या आप लोग जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/(1+x²)। तो पहले एक चीज साइनो का जानिए लीजिए, sin−1(x/dx), 1/√(1+x²), ठीक। नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो हम लोग नाउ लेट करेंगे t=tan−1(x), ठीक। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dt/dx=d tan−1(x/dx). टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/(1+x²), तो यह डी एक्स गुना में साइड चल भाग में तो गुना में चल जाएगा, इसलिए dt=1/(1+x²dx). अगेन इक्वेशन फर्स्ट, अगेन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट इक्वेशन है e^(tan−1)(x/1+x²dx), तो e^(tan−1)(x) को क्या माने थे t, आई हो जाएगा टोटल यानी कि 1/(1+x²dx) यानी कि dt, ठीक। e^t का क्या हो जाएगा, e^t+c, तो e^tan−1(x+c), ठीक। इतना आएंगे आपको का आंसर। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 19-20, बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन भी है। तो यहां तक आप लोग देख लिए, 18 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर तक क्वेश्चन देखते हैं। तो 19-20 क्वेश्चन बड़े लॉजिकल हैं,
क्वेश्चन तो बड़ी शॉर्ट है, लगता है बड़ी लॉजिक। तो देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहा दिया हुआ है, ई टू दी पावर 2x माइनस 1 बटे ई टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। समीकरण फर्स्ट तो मानिए ना लिए, नहीं पहले समीकरण फर्स्ट ना मानिए, इसमें पहले मानिएगा तो गड़बड़ बात। इसमें e टू दी पावर 2x माइनस 1 बटे e टू दी पावर 2x प्लस 1 अगर किसी एक को लेट भी करते हैं तो कुछ वैल्यू देगा, नहीं देगा, संभव ही नहीं, काहे के ऊपर में माइनस लगा हुआ है, क्योंकि e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्या ऊपर में है? नहीं, सेपरेट टर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग अंश तथा हर में e टू दी पावर x से भाग दे देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू अराइव्ड होगा। ठीक, तो देखिए भाग दे देते हैं, आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा अंश तथा हर वाला, तो e टू दी पावर 2x बटे 1 में e टू दी पावर x बटे e टू दी पावर 2x प्लस 1 अब बटा e टू दी पावर x dx भाग दे दिए। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट, जब भाग करेंगे e टू दी पावर 2x में से e टू दी पावर x माइनस 1 बाय e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस x बटे, इसको भी सेपरेट करेंगे तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो नाउ आप देखिए कुछ न कुछ तो वैल्यू आया है, नीचे वाला प्लस माइनस में है e टू दी पावर, तो लेट करेंगे तो ऊपर एवे करेगा। t इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, इसका कर दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अधिकतर बच्चा यहां से कहेगा नीचे वाले को मान लो और लगा दो, तो हो जाएगा गड़बड़, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू दी पावर एक्स बटे डी एक्स प्लस डी ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, आई टू दी पावर माइनस एक्स है तो यानी कि माइनस वन होगा, तो माइनस आई टू दी पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसलिए डी टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स आई डी एक्स, भाग में तो गुना में चला आएगा, यहाँ तक देख लिया। अब चलते हैं अगेन इक्वेशन फर्स्ट में, पुटअप पे अगेन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर और एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बटे ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स के साथ क्या हो जाएगा, डी टी, तो वन बटे ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को क्या माने, टी इन टू डी टी। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स का लॉग ई टू दी बेस मॉड ऑफ टी प्लस एक्स होता है, इसीलिए यहाँ पर भी लॉग ई टू दी बेस मॉड ऑफ टी प्लस सी, पॉजिटिव साइन है, मॉड नहीं हो लिखेगा तो चलेगा, लॉग ई टू दी बेस टी का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक, मॉड लिखे हैं तो इसमें भी मॉड दिया जाए, ठीक, यह आप लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग चल लेंगे 19वां क्वेश्चन की ओर, तो देखा देख लिए बड़ी बढ़िया से झकास, चलिए देखते रहिए।
तो हम लोग क्या नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 19 देख लिया, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो खाली देखबे ना कीजिए, तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फायदा नहीं दोनों आदमी का होना चाहिए। वीडियो का मजा आता है तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देख लिए, अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e^2x माइनस है कि प्लस, माइनस e^-2x, बट e^2x प्लस e^-2x dx, समीकरण फर्स्ट। इसको काहे मान लिए, काहे कि देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में यहीं तक प्रोसेस ले गए थे, क्या क्या यहाँ -1 था तो इस रूप में लाना था, अभी इस रूप में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट लेट काहे न कर लेंगे, इसमें तो ब्याह के विधोल है, कर दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करे, ओहो लेट टी हो जाएगा, इसमें तो गड़बड़ आ जाएगा। डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी e^2x बाई डी एक्स प्लस d^-2x dx, e^2x माइनस e^2, ब्रांडेड मिस्टेक कर रहे थे, कहे e^2x है तो e^2x का आप लोग का बताए भी थे, इसका डिफरेंशिएशन टू e^2x, डिफरेंशिएशन गुणांक में आता है और इंटीग्रेशन डिवाइड में चला जाता है, तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2x e^-2x और क्या हो जाएगा, हाफ डी टी इज इक्वल टू e^2x माइनस e^-2x डी एक्स, आ गया। अब अगेन चलिए इक्वेशन फर्स्ट से, अगेन इक्वेशन फर्स्ट वेकम समीकरण फर्स्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e^2x माइनस e^-2x बट e^2x dx, इतना देल बा, ठीक ना। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, एक वैल्यू क्या आया है e^2x माइनस e^-2x dx के साथ हाफ डी टी, इतना का टी, तो 1/t इंटू हाफ डी टी, हाफ कॉन्स्टेंट है तो बाहर, 1/t इंटू डी टी, तो क्या हो जाएगा 1/t2 log e^2 mod of t plus c, 1/2 log e^2 टी का वैल्यू क्या पुटअप किए थे, e^2x प्लस e^-2x प्लस सी। तो आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए, तो आप लोग यह क्वेश्चन को देखते हुए लाभ उठाते हुए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।